कोरिया जिले में हिंदू सेना के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर भव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा हिंदू सेना के द्वारा निकाले जाने को लेकर छोटा बाजार में बैठक संपन्न की गई। आपको बता दें कि हिंदू सेना अपने सनातन धर्म के सतत कार्यों का निर्वाह करते हुए चैत्र रामनवमी में भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है। इस शोभा यात्रा में हिंदू सेना के समस्त पदाधिकारियों के साथ प्रभु श्री राम जी की छायाचित्र बनाकर कोरिया जिले के चिरमिरी शहर में भव्य शोभा यात्रा निकालती है। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा में हिंदू सेना के लगभग 2 से 3 हजार लोग श्री राम जी की रथ के साथ पूरे नगर का भ्रमण एवं शहर को भगवामय करते हुए सेना के साथ ही नजर आते हैं। श्री राम, आज हिंदू सेना पूरा कोरिया जिला का बैठक संपन्न हुआ, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है चैत्र रामनवमी शोभा यात्रा। श्री राम जी की शोभा यात्रा जो निकाली जाती है उसमें भव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगी, जिसमें सभी सनातन धर्म में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी पधारिए और भगवामय इस हिंदू सनातन का आनंद लें। कितना कब निकलने वाला है ये शोभा यात्रा? 4 अप्रैल नवरात्र के बीच में निकाली जाएगी। वहीं जिला अध्यक्ष राजेश यादव द्वारा आज छोटा बाजार चिरमिरी में हिंदू सेना चैत्र रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर बैठक की आहुति दी गई, जिसमें शोभा यात्रा को लेकर कई निर्णय लिए गए। इस दौरान बैठक में अजय पांडे, सूरज दिवांगन, ओम प्रकाश शुक्ला, रमेश शुक्ला, विकास वर्मा, आशुतोष गुप्ता के साथ महिला विक्की मुनैना खटीक, भारती सिंह, सुमन ज्योति सिंह के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हिंदू सेना का मुख्य उद्देश्य, बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे रामनवमी शोभा यात्रा निकलेगी, उस उद्देश्य में आज चर्चा की गई है। कोरोना की वजह से शोभा यात्रा हमारी नहीं निकल पाई 2 साल में, और इस बार भव्य शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है। कब निकलेगी? 4 अप्रैल को निकलेगी शोभा यात्रा हमारी हिंदू सेना की।